ट्रेन आ रही है, रुक लो थोड़ी देर। बाल बाल बचाए दूध, इतना खतरनाक भाई, जरूरी था क्या निकलना ऐसा? अच्छा, इनका ये पत्नी और इनका बच्चा ये इधर की साइड खड़े थे, यहीं से ये मना कर रहे थे इनको, ट्रेन आ रही है रहने दो, लेकिन ये मानने वाले लगते नहीं है, क्योंकि यहाँ तो होड़ में होड़ मची है, अकेले थोड़ी ना, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ये सभी यही कर रहे हैं, इनको जल्दी है पहुँचने की। अच्छा, बाहर खड़े होते तो लगता है यार निकल जाएंगे जल्दी से, ट्रेन आई तब तक जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन कहाँ पहुँच जाएंगे? वहाँ भी पहुँच जाएंगे जहाँ सबको एक दिन पहुँचना है। तो उससे बचने के लिए जब भी रेलवे फाटक बंद हो ना, तो समझ जाइए आप ट्रेन आने वाली है, यहाँ से निकलना सुरक्षित नहीं है। अब ये देखिए, ये अंकल जी, अरे चाचा, घर जाके पोते पोतियों को क्या बताओगे कि मैं एक बहादुरी का काम करके आया, रेलवे फाटक बंद था, वहाँ पे सब नियम कानूनों को ताक में रख दिया और उसके नीचे से मैं निकल के आया हूँ। ये हम सब कुछ अपनी पीढ़ियों को विरासत में देके जाते हैं। हम जैसे नियम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, वो हमें ये देखते हैं उल्लंघन करता हुआ, उल्लंघन करने से कुछ हुआ नहीं, वो भी इनका उल्लंघन इसी प्रकार करते हैं और एक दिन बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए भाई नियम कानूनों का फॉलो करना सबको सिखाएं।